नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। हर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के लिए कुछ खास सुविधाएं होती हैं। इनमें सुरक्षा से लेकर उनकी गाड़ियां और खान पान तक तमाम चीजें शामिल होती हैं, और इन्हीं में से एक है राष्ट्राध्यक्षों के लिए हवाई सफर में इस्तेमाल होने वाला विमान। ज्यादातर देश अपने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए खास विमान रखते हैं, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस। लेकिन बीते 15-16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में हुए G20 के सम्मेलन में भी तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष अपने खास विमानों से पहुंचे थे, जो उनके कद और ताकत को भी दर्शाते हैं। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे भारत के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी के नए फोर्स वन के बारे में, जिसे नया आयाम दिया गया है। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब ऐसे अत्याधुनिक और हाईटेक विमानों में विदेश यात्रा पर जाएंगे, जहां दुश्मन की बुरी निगाहें भी छू नहीं पाएंगी। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए दो बोइंग 777 विमान को इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि उस पर मिसाइल हमले करना संभव नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरफोर्स वन की तर्ज पर ये विमान लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर LAIRCM, यानी कि ऐसी तकनीक जिससे इन विमानों पर मिसाइलों से हमला संभव नहीं होगा। इसके अलावा इन विमानों में सेल्फ प्रोटेक्शन स्पीड भी होगा। इन दो विमानों की अनुमानित कीमत करीब 1,300 करोड़ रुपए होगी। इन विमानों को एयर इंडिया वन या इंडियन एयरफोर्स वन के नाम से जाना जाएगा। इन दो बोइंग विमान 777 विमानों को दुनिया भर के एडवांस्ड सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कि मिसाइल वार्निंग, काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम और इंक्रिप्टेड सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। अगर इन विमानों में प्राइवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी अमेरिकी राष्ट्रपति के मशहूर विमान फ्लाइंग ओवल ऑफिस जैसा ही हाईटेक होगा। काफी पहले भारत के अनुरोध पर अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने दो बोइंग 777 विमानों की विदेशी मिलिट्री सेल को मंजूरी दे दी है। इन दोनों को खरीदने के लिए भारत को 1,300 करोड़ रुपए देने होंगे। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के विमान LAIRCM तकनीक से लैस होंगे। अब हम आपको बताते हैं कि लार्सेन तकनीक होती क्या है। इस तकनीक के जरिए मिसाइल हमले के डर को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। इसके जरिए एक ऐसी लेजर बीम निकलती है जो मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को मात दे सकती है। इसके जरिए एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम को भी चकमा दिया जा सकता है, और इसके लिए क्रू को किसी प्रकार की हरकत करने की भी जरूरत नहीं होगी। हम आपको बता दें कि इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी ने अपने पेट्रोल जेट और CH-53 सुपर हेलीकॉप्टर के लिए शुरू किया था। जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल अमेरिकी नेवी के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा किया जाता है। हम ये भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति का एयरफोर्स वन LAIRCM और डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। 2008 में ऑस्ट्रेलिया ने LAIRCM सिस्टम को अपने C-130J के लिए खरीदा था। हम ये भी बताते चले कि यही तकनीक इजराइल ने खुद ही तैयार किया है, जो अपने राष्ट्राध्यक्ष और यात्री विमानों में इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि फ्रांस के राष्ट्रपति का एयरक्राफ्ट इजरायली सिस्टम से लैस है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान भी रूसी डिफेंस सिस्टम की तकनीक से लैस है। वहीं अब भारत के पास भी ये तकनीक होगी। भारत को तकनीक देते हुए अमेरिका ने कहा कि इस प्रस्तावित डील से अमेरिका की विदेश नीति के साथ साथ अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को शक्ति मिलेगी। भारत जैसे मजबूत डिफेंस पार्टनर की सुरक्षा बढ़ाकर दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों को नया मुकाम हासिल होगा। इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता, शांति और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता दें कि इन विमानों में लार्ज एयरक्राफ्ट इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल होगा। इसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, बड़े विमानों को पोर्टेबल या कंधे से फायर की गई मिसाइलों से बचाना है। विमान पर यह सिस्टम लगाने से विमान के क्रू को मिलने वाला वार्निंग समय बढ़ जाता है और फॉल्स अलार्म रेट घट जाता है। इसके अलावा विमान खुद ही एडवांस्ड इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल सिस्टम का जवाब दे सकता है। इसमें क्रू मेंबर्स को कुछ करने की भी जरूरत नहीं होती है और हमला अपने आप हो जाएगा। यहां हम आपको ये भी बताते चलें कि 2018 में ही ये दोनों विमान भारत को मिल चुके हैं, लेकिन फिलहाल ये दोनों विमान अमेरिका की बोइंग डिफेंस कंपनी के पास हैं, जहां इन्हें एडवांस और लेटेस्ट सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस करने का काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इसी साल के अंत तक ये दोनों भारत आ जाएंगे। अभी भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की लंबी दूरी की यात्राओं में 26 साल पुराने बोइंग 747 जंबो जेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन विमानों में एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैसी सुविधा नहीं है।
लेकिन जैसे ही अमेरिका द्वारा तैयार एयरफोर्स वन भारत को मिलेगा, भारत भी अमेरिका, फ्रांस, इजराइल और रूस के राष्ट्राध्यक्षों की श्रेणी में आ जाएगा और ये ताकत भारत को दक्षिण एशिया समेत दुनिया में अलग मकाम पर ले जाएगा। एयरफोर्स वन भारत की ताकत, समृद्धि, धमक और महाशक्ति का एहसास कराएगा।